अब देखो आज के मतलब इस लेक्चर में अब हम लोग को पढ़ना है वाष्पित्र ताप तापमान और संघनित का निष्पादन गुणांक पर प्रभाव, मतलब वाष्पित्र इवेपोरेटर का तापमान और जो संघनित्र का तापमान है। देखो संघनित तापमान है, बीच में लग रहा है छूट गया है, वाष्पित्र तापमान और संघनित तापमान का निष्पादन गुणांक पर प्रभाव। जैसे इससे पहला जो लेक्चर था उसमें क्या था, उस पे था वो क्या कहते हैं संपीड़क दाब और निष्कर्षण दाब या निष्कासन दाब विसर्जन दाब का सीयूपी पे क्या प्रभाव पड़ता है। भाई संपीड़क का दाब और विसर्जन के दाब का सीयूपी पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैंने बताया था कि कैसे बढ़ा घटा कर बढ़ाने पे और घटाने दोनों पे ही क्या होता है, वहाँ पे दाब में सीयूपी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है। उसी तरीके से जैसे वहाँ दाब का हम इफेक्ट पढ़े थे सीयूपी पर निष्पादन गुणांक पर, उसी तरीके से आज हम वाष्पित्र के तापमान और संघनित के तापमान का प्रभाव पढ़ेंगे किस पर, सीयूपी पर निष्पादन गुणांक पे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो आपका है वाष्पित्र तापमान। अब वाष्पित्र तापमान में देखिए अब यहां देखो वाष्पित्र तापमान में क्या लिखा है, पहला पॉइंट है वाष्पित्र तापमान। अब इसमें मैंने लिखा है यदि वाष्पित्र का तापमान बढ़ा दिया जाए, यदि क्या किया जाए वाष्पित्र का तापमान बढ़ा दिया जाए, तो अब यहाँ देखिए मैंने दोनों फिगर बनाया है। पहला तो है TS मतलब तापमान और एंट्रोपी डायग्राम और दूसरा है PH मतलब दाब और इंथैल्पी डायग्राम। अब इसमें दोनों फिगर इस वजह से बनाया है, चाहे तो आप केवल TS फिगर से ही समझ सकते हैं। देखो इससे पहले जो दाब वाला इफेक्ट था उसमें केवल मैंने पीएच डायग्राम बनाया था, क्यों, क्योंकि उस पर दाब का हमको ज़रूरत था, दाब का ही इफेक्ट निकालना था, दाब का क्या प्रभाव पड़ रहा है आसानी से निकल जा रहा था, उसमें टीएच डायग्राम इम्पॉर्टेंट नहीं था। लेकिन यहाँ पे तापमान का इफेक्ट बताना है तो हमारे लिए टीएच डायग्राम ही इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो टीएच डायग्राम है मतलब ताप और एंट्रोपी वाला डायग्राम है और उसको मैंने पीएच डायग्राम भी इसका बना दिया है। तो यहाँ पे जैसे जब दिया हुआ है वाष्पित्र का दाब बढ़ाया जाए तो वाष्पित्र जो वाष्पित्र होता है इसमें वेपर कंप्रेशन साइकिल में वाष्पित्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवेपोरेटर। और ये कौन से प्रक्रम के अंतर्गत कार्य करता है, देखो प्रक्रम एक से दो संपीड़क का हो गया, संपीड़क के द्वारा जो है कंप्रेशन होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, प्रतिवर्त रुधोष्म कंप्रेशन होता है, फिर दो से तीन यहाँ संघनित्र है, दो से तीन के अंतर्गत क्या होता है स्थिर दाब पर जो है ऊष्मा का विसर्जन होता है, निष्कासन होता है, फिर तीन से चार क्या है थ्रॉटलिंग वाल्व में जो है गैस का एक्सपेंशन होता है मतलब प्रसार होता है थ्रॉटलिंग वाल्व में, और ये हाईली इरिवर्सिबल होता है अप्रतिवर्त होता है, इसको हम आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं। और फोर से जब हम वन पे जाते हैं तो ये क्या होता है इवेपोरेटर, वाष्पित्र के द्वारा यहाँ पे स्थिर दाब पर जो है ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक। ये चार प्रक्रम है, तो जो प्रक्रम चार से एक है वही हमारा क्या है वाष्पित्र का प्रक्रम है। वाष्पित्र में वाष्पित्र कहाँ पे कार्य कर रहा है, किस प्रक्रम के दौरान कार्य कर रहा है, प्रक्रम चार से एक, प्रक्रम रुकिए ये दिख रहा होगा प्रक्रम चार से एक, ये जो है ये जो पोर्शन है ये आपका जो है क्या कहते हैं वाष्पित्र द्वारा किया गया कार्य, इस चार से एक प्रक्रम के दौरान वाष्पित्र द्वारा किया गया कार्य। अब चूंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लिया है कि यदि वाष्पित्र का तापमान बढ़ा दिया जाए, तो आप फिगर में देख रहे होंगे चार से एक प्रक्रम इसका तापमान क्या है इस दौरान T1 है। अब हमने जब तापमान बढ़ाना, अच्छा ये T2 क्या है, ये संघनित का तापमान है, ये वाष्पित्र का तापमान है,
ये वाष्पितर का तापमान है और T2 क्या है, संघनित्र का तापमान है। अब कह रहा है वाष्पितर का तापमान बढ़ाया गया, बढ़ा दिया जाए, संघनित्र का तापमान नहीं बढ़ाने को कह रहा, वाष्पितर का तापमान बढ़ाया गया। तो वाष्पितर का तापमान क्या है मेरा, ये है T1, ठीक है। तो T1 अगर बढ़ा दिया जाए तो ये किधर होगा, इस साइड में होगा, ऊपर की ओर जाएगा भाई, इंक्रीज हो रहा है ना, तापमान बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो यहाँ पे मान लो 1 है 2 है 3 है, ऐसे ही ना इंक्रीज होगा, ठीक। तो अब यहाँ देखिए, तो हमने यहाँ ये जो डॉटेड लाइन ऊपर दिखाया, देखो यहाँ हमने लिखा नहीं, ये हो जाएगा, रुके रहो, ये T1 है, तो ये जो वो वाला है T1 डैश हो जाएगा, ये वाला लाइन जो यहाँ से है डॉटेड लाइन, हमने क्या किया, बढ़ा दिया तापमान, बढ़ा दिया, T1 डैश कर दिया। अब देखो वहाँ से जो डॉटेड लाइन गया है, अब वो आ गया किस पे, 1 डैश पे, 1 डैश से प्रक्रम हो रहा है 2 डबल डैश, ठीक है, बाकी सब समान होगा, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखो अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब आ जाओ नीचे इस पे, अब यहाँ पे तुम देख लो, यहाँ पे प्रक्रम 1 जब था, जो हमारा वास्तविक है, वास्तविक चक्र हमारा क्या है, 1 2 1 2 2 डैश 3 4 1, और हमारा जो हमने जब तापमान बढ़ाया है तब क्या हो रहा है चक्र, वो हमारा है 1 डैश 2 डबल डैश 2 डैश 3 4 डैश फिर 1 डैश, ये हमारा दूसरा प्रक्रम है जब हमने वाष्पितर का ताप बढ़ा दिया। तो पहले प्रक्रम के दौरान यहाँ आप देख रहे हैं मैंने डॉटेड लाइन दिखा दिया है, 1 नीचे की ओर आ रहा है, ठीक, 4 को भी हमने नीचे, ये देख रहा हूँ ना ये, फिर 4 का भी हमने, 4 के लिए हमने ये दिखा दिया। अब जब हमारा नया चक्र बन रहा है उसके लिए हमने डॉटेड लाइन दिखा दिया, 1 1 डैश 2 डबल डैश के लिए ये दिखा दिया, और यहाँ 4 डैश के लिए हमने ये दिखा दिया, ठीक है। तो इससे आप क्या देख रहे हैं, इससे आप देख रहे हैं ना कि जो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होता है वो तो वाष्पितर के प्रक्रम के दौरान ही हमारा जो है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हम निकालते हैं, प्रशीतन प्रभाव निकालते हैं भाई, वाष्पितर के द्वारा ही ना प्रशीतन प्रभाव निकाला जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा स्थिर दाब पर जो है ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो यहाँ प्रशीतन प्रभाव शुरू में क्या था, शुरू में प्रशीतन प्रभाव देखिए ये है, ये 4 से लेकर के ये जो 4 वाले रेखा से लेके 1 तक है, ठीक है, ये प्रशीतन प्रभाव होगा। क्यों, क्योंकि प्रशीतन प्रभाव का फॉर्मूला COP का क्या था, H1 माइनस H4, तो H1 यहां से यहां तक हमारा क्या होगा, यहां से यहां तक हमारा क्या है H1 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है H4 है, तो H1 में से H4 गया तभी ना हम ये वाला निकालेंगे H1 माइनस H4, यही हमारा प्रशीतन प्रभाव होगा। और बाद के लिए हमारा क्या निकल रहा है, बाद के लिए हम देख रहे हैं H1 डैश हमारा निकल रहा है, ये H1 डैश, और H4 के लिए निकल रहा है ये H4 डैश। तो इनके बीच का जो अंतर आएगा ये हमारा नया रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा, जिसको हम RE डैश से डिनोट करेंगे, RE डैश से। तो आप देख रहे हैं कि जो RE डैश है, जो बाद वाला रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, वो क्या होगा, पहले से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो हमारा निष्पादन गुणांक होता है वो प्रशीतन प्रभाव का क्या होता है, समानुपाती होता है, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, किसका, प्रशीतन प्रभाव का। तो प्रशीतन प्रभाव जब ज़्यादा होगा तो COP का मान क्या हो जाएगा, भी बढ़ जाएगा। अब इसको अगर हम
इससे इस वाले डायग्राम से समझें, पीएच वाले डायग्राम से, तो अब हमने क्या किया, पहले तो हमने सिंपल ये चक्र ले लिया 1 2 3 4, जैसे पीएच डायग्राम में बनता है, 1 से 2 आपका संपीड़न का प्रोसेस है, यहाँ कंप्रेशन हो रहा है, 2 से 3 पे क्या हो रहा है, कंडेंसर के द्वारा स्थिर दाब पर जो है ऊष्मा का निष्कासन किया जा रहा है, 3 से 4 आपका थ्रॉटलिंग वाल्व है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, और 4 से 1 आपका इवेपोरेटर के द्वारा जो है यहाँ हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो 1 के लिए यहाँ पे देखो मैंने क्या ले लिया, H1 दिख रहा है ना। 2 के लिए मैंने क्या ले लिया, 2 के लिए यहाँ देखिए H2। तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सॉरी पहले तो ये H1 हो गया, H2 हो गया, फिर 4 के लिए देखो 4 और 3 दोनों चूंकि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, इसके लिए मैंने ले लिया यहाँ H4 और बाद में H4- भी जो है उसी पे आएगा। तो अब H4 और H1 के बीच का जो अंतर निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, जो आपका ऊपर दिख रहा है, ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला दिखा रहा हूँ, ये वाला है, ठीक है। अब इसके बाद अब देखिए, अब जो नया है H1 है, ये 1- से जाएगा, तो ये हमारा H1 हो गया, ये वाला पोर्शन। उसके बाद 2 डबल डैश से हमारा गया H2-, और जो हमारा 4 आएगा 4-, वो 4 पर ही आएगा, क्योंकि इसमें तो परिवर्तन हो नहीं रहा है, TS डायग्राम से भी क्लियर है, क्योंकि अवस्था यहाँ पे TS डायग्राम में 4 और 4-, ये अलग अलग बिंदुओं पे हैं, लेकिन चूंकि ये जो प्रक्रम है 3 से 4 ये आइसेंथैल्पिक प्रक्रम है, सम एंथैल्पिक प्रक्रम है, तो पीएच वाले फिगर में क्या होगा, ये एक ही बिंदु पे आएगा। तो इसके लिए आपका पता ही है कि यहाँ पे जो H4 जो होगा वो H4- के बराबर होगा। तो H1- और H4- के बीच का जो अंतर निकालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा नया रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, जो कि हमारा आएगा ये। तो अब आप देख रहे हैं कि पुराना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ये है, ये इतना छोटा है, सॉरी रफ कर दे रहा हूँ पहले। अब देखो पुराना जो रेफ्रिजरेशन है वो यहीं तक है, जबकि नया क्या है, वो यहाँ से यहाँ तक है। इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा इस फिगर से कि यहाँ पे प्रशीतन प्रभाव का मान क्या बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और हम जानते हैं निष्पादन गुणांक प्रशीतन प्रभाव के समानुपाती होता है, इसलिए निष्पादन गुणांक भी बढ़ेगा। अच्छा अब कार्य की बात करें, तो कार्य की जब हम बात करेंगे तो सारा चीज़ दिया ही हुआ है यहाँ पे। अब 2 के लिए, अवस्था 2 के लिए जो है ये इंथैल्पी H2 हो जाएगा, और जो नया हमारा अवस्था है 2 डबल डैश के लिए क्या हो जाएगा, इंथैल्पी H2- हो जाएगा, ठीक। और जो हमारा H1 के लिए था, H1 के लिए इंथैल्पी H1 है, और H1- के लिए इंथैल्पी H1- है। तो जब हम इनके बीच का कार्य निकालेंगे तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, H2 माइनस H1 होता है। तो H2 माइनस H1 जब आप निकालोगे तो यहाँ पे देखो, अरे ये है ना, हाँ अब देखो, H2 माइनस H1, तो H2 माइनस H1 जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से केवल यहाँ तक होगा, यहाँ से इनके बीच ये होगा, इनके बीच जो है कार्य क्या हो रहा है, किया जा रहा है, जो हमारा अभी पुराना चक्र है,
ठीक है, तो उसके लिए H2 - H1 हो जाएगा, H2 - H1। और जो नया हमारा चक्र होगा उसके लिए क्या होगा, H2- H1। तो H2- में H1 माइनस करोगे तो यहाँ पे कार्य केवल इतना ही हो रहा है। तो पहले कहाँ कार्य इतना हो रहा था, H2, हाँ ये पहले कार्य हमारा यहाँ से यहाँ तक हो रहा था, और अब कार्य कितना हो गया, कम हो गया है भाई, यही ना H2- H1। तो इनके बीच जो अंतर है वो कम हो गया है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जब हम वाष्पित्र का तापमान बढ़ा रहे हैं उस कंडीशन में जो कार्य किया जा रहा है संपीड़क के ऊपर वो क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। और जो निष्पादन गुणांक होता है वो कार्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस वजह से जब कार्य का मान कम हो जाएगा तो निष्पादन गुणांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे देखो अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि वाष्पित्र का ताप जब हम बढ़ाते हैं तो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो कार्य होगा संपीड़क के द्वारा वो कम हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटिंग, और फिर हम डायरेक्ट देखो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखा है, यहाँ पे अब मैंने देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि जो नया वाला रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो पुराने वाले रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट से बड़ा है, और जो नया वाला कार्य है वो पुराने वाले रेफ्रिजरेटिंग वो कंप्रेशन के कार्य से क्या है, छोटा है। तो हम जानते हैं कि COP जो होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बटे किया गया कार्य होता है, यही ना होता है। इसका मतलब जो निष्पादन गुणांक है वो हमारा प्रतीतन प्रभाव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और किए गए कार्य के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब कार्य कम होगा तो COP बढ़ेगा, और जब प्रतीतन प्रभाव ज़्यादा होगा तो COP फिर बढ़ेगा। तो इस तरीके से वाष्पित्र का ताप जब हम बढ़ाते हैं किसके लिए बढ़ाते हैं, अब ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वाष्प संपीड़क चक्र में अगर वाष्पित्र का तापमान बढ़ाया जाए तो उसका वाष्प संपीड़क चक्र पर, वाष्प संपीड़क चक्र के निष्पादन गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चित्र सहित या ग्राफ सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। या ऐसे भी दे देगा कि वाष्प संपीड़क चक्र के निष्पादन गुणांक पर वाष्पित्र तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, समीक्षा कीजिए, ठीक है, एक्सप्लेन अप करो। तो इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे दोनों, और फिर उसके बाद जो चीज़ मैंने ओरली बोला है उसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, और फिर मैथमेटिकली ये जो मैंने अभी यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, ये जो हमने लिखा ये मैथमेटिकली है, आप इसको लिख करके फिर इसके बाद यहाँ पे ये लिख करके अपना आंसर बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, अतः COP का मान क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका दूसरा टॉपिक क्या है, अब दूसरा टॉपिक देखिए, दूसरा टॉपिक है अभी तक तो वाष्पित्र का तापमान था, अब कह रहा है संघनित का तापमान अगर घटा दिया जाए, संघनित मतलब वही कंडेंसर का तापमान अगर घटा दिया जाए, तो देखिए इससे पहले जो आपने जो है दाब वाला पढ़ा था, इससे पहले आपने पिछले क्लास में सैटरडे को क्या पढ़ा था, सक्शन प्रेशर चूषण दाब एवं विसर्जन दाब का निष्पादन गुणांक पर प्रभाव। तो जो चूषण दाब था उसका जब तापमान दाब बढ़ाते थे तो वहाँ COP कम हो जाता था, उसी तरीके से जब विसर्जन दाब का जो है वो दाब हम घटाते थे तो वहाँ COP वहाँ पे भी कम हो जाता था, उसी तरीके से यहाँ पे भी, जैसे वहाँ पे नीचे वाला दाब जब वाष्पित्र का दाब सॉरी कंप्रेसर का दाब बढ़ाया जाता था और ये क्या कहते हैं कंडेंसर का दाब घटाया जाता था, उसी तरीके से यहाँ पे भी है, वाष्पित्र का ताप बढ़ाया जा रहा है और कंडेंसर का ताप घटाया जा रहा है। तो दाब में क्या था, दोनों ही कंडीशन में, चाहे दाब बढ़ाया जा रहा है चाहे दाब घटाया जा रहा है, दोनों ही कंडीशन में क्या था, COP का मान कम हो जाता था,
ठीक है, निष्पादन गुणांक का मान कम होता था, जबकि यहाँ तापमान में दोनों ही कंडीशन में, जैसे पहला तो मैंने अभी डिस्कस किया वाष्पित तापमान का दाब बढ़ाने पे, यहाँ पे सीओपी बढ़ जा रहा, और दूसरा ये जो आपके स्क्रीन के सामने है संघनित ताप, जब इसका मान घटा दिया जा रहा है इस कंडीशन में भी सीओपी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, निष्पादन गुणांक का मान बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, देखिए अब यहाँ पे भी हमने टीएस और पीएस डायग्राम लिया है, तो टीएस ये क्या कहते हैं, जो आपका टीएस डायग्राम है यहाँ देखिए, पहला जो हमारा पहले जो मेन चक्र है वो क्या है, बिंदु एक से दो पे गया, दो से टू डैश पे गया, टू डैश से थ्री पे गया, थ्री से फोर पे आया, फोर से वन पे आया, ये हमारा मेन वाष्प संपीडक चक्र है का डायग्राम है, टीएस डायग्राम। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू हमारा जो कंडीशन है, कंडीशन क्या कह रहा है, यहाँ पे मैंने ये बता दिया T1 क्या है, ये वाष्पित का तापमान, और T2 क्या है, संघनित का तापमान। अब कंडीशन ये कह रहा, अगर संघनित का तापमान घटा दिया जाए तो संघनित का तापमान हमारा ये है, और इसको घटाएंगे तो नीचे लाएंगे ना, क्यों, इसको घटाएंगे तो नीचे लाएंगे, तो नीचे लाएंगे तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ फिर मैंने नहीं लिखा, ये मान लो ये जो नीचे वाला यहाँ से जो मैंने स्टार्ट किया है डॉटेड लाइन, ये मान लो T2 डैश, ठीक है, तो जब हमने ताप कम कर दिया तो अब यहाँ से डॉटेड लाइन मैंने ले गया, ये यहाँ पे आपके आके मिल गया है, तो अब हमारा नया जो चक्र बना वो क्या बना, वो बना बिंदु एक वही रहेगा, क्योंकि यहाँ कंडेंसर का कंडेंसर पे अब काम हो रहा है, तो बिंदु वन फिर टू डबल डैश, ठीक है, फिर टू डबल डैश से आ गया यहाँ थ्री डैश, देख रहा हूँ ना, थ्री पे नहीं है ये, थ्री है, रुके रहो, ये थ्री डैश पे आ गया, यहाँ से स्लाइटली टू डबल डैश से थ्री डैश, और फिर फोर डैश, और फिर फोर डैश से फिर वन पे आ जाएगा, तो ये नया चक्र आपका मिल गया। ठीक, अब इसको अगर हम पीएस डायग्राम में देखें, पीएस डायग्राम में तो अब यहाँ पे क्या है, पहले तो वही है जैसे कि हमारा चक्र है, वन से टू गया, टू से टू डैश, थ्री फोर, फोर आ गया यहाँ पे, रुके रहो, देखो यहाँ दो बार फोर डैश लिख दिया, ये फोर डैश, पहले ये सब रफ कर दें, दो बार फोर डैश लिख दिया है, ये फोर डैश नहीं है, ये फोर है, ये फोर डैश नहीं, फोर डैश ये है, तो अब नया चक्र हमारा क्या हो गया, नया चक्र हमारा हो गया इसमें वन, वन से आपका देखिए जब हमने टेम्परेचर घटाया तो टू डैश डबल डैश पे गया, टू डबल डैश से थ्री डैश पे आया, थ्री डैश से फोर डैश पे आया, ठीक है, और फोर डैश से वन पे आया। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण यहाँ पे आप देखिए थोड़ा इस ग्राफ में देखिए, सॉरी यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, टीएस ग्राफ में देखिए, यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये आपका जो है सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व पे आपका बिंदु थ्री आया था पहले, और इस वाले में थ्री डैश आया है, तो इनके बीच में ये जो अवस्था यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कर्व पे सैचुरेटेड लिक्विड कर्व पे या सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर में गिरावट हो रहा है, और इसी गिरावट के कारण यहाँ पे हमारा जो है ये जो है जैसे जो बिंदु थ्री और बिंदु फोर जो है, और बिंदु थ्री डैश और बिंदु फोर डैश, ये अलग अलग मतलब उस पे आ रहा है, अलग अलग पॉइंट पे आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इससे पहले क्या था, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था वाष्पित्र के लिए, तो वहाँ पे एक ही पे आ जा रहा था फोर और फोल्ड है, लेकिन यहाँ हम कंडेंसर के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा इसमें पीएच ग्राफ पे जो पहला चक्र है वन टू टू डैश थ्री फोर और वन, और जो नया चक्र है वन टू डबल डैश थ्री डैश फोर डैश और वन, इसमें क्या होगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर हम आप यहाँ देख रहे होंगे, अब हमने नीचे यहाँ पे सबका इनथैल्पी का मान लिखा,
बिंदु एक के लिए देखो इंथैल्पी एच वन हो गया, बिंदु फोर के लिए इंथैल्पी एच फोर हो गया, बिंदु फोर डैश के लिए इंथैल्पी एच फोर हो गया। तो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो क्या होगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा होता है एच वन माइनस एच फोर। तो जो हमारा पुराना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा वो पुराना हमारा जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा वो क्या होगा, एच वन माइनस एच फोर। तो इनके बीच का अंतर क्या आ जाएगा, पुराना वाला ये आ जाएगा आर ई, ठीक है। अब नया क्या होगा, नया हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, चूँकि बिंदु दोनों ही चक्र में स्टार्टिंग हम बिंदु एक से ही कर रहे हैं, तो नए वाले रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के लिए हो जाएगा एच वन, ये एच वन ही रहेगा माइनस एच फोल्ड है। तो अब आप देख रहे हैं इनके बीच का अंतर क्या होगा, ये होगा आर ई डे। तो यहाँ देखो कहाँ आर ई जो है केवल यहीं तक है सिंपल, और आर ई डैश इतना लंबा है, इसका मतलब जो हमारा नया प्रशीतन प्रभाव है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट उसका मान क्या हो गया, बढ़ गया, क्लियर है। और जब बढ़ जाएगा तो इससे, क्योंकि हम जानते हैं निष्पादन गुणांक प्रशीतन प्रभाव के समानुपाती होता है, तो हमारा निष्पादन गुणांक का मान भी बढ़ जाएगा। ये क्लियर हो गया प्रशीतन प्रभाव के लिए। अब हम आ रहे हैं कार्य पे, तो कार्य के लिए देखिए बिंदु दो के लिए, बिंदु दो के लिए यहाँ देखो एच टू हो गया, और बिंदु टू डैश के लिए क्या हो गया, एच टू डैश हो गया। तो जो कार्य होता है हमारा वो क्या होता है, एच टू माइनस एच वन होता है। तो जो पुराना कार्य होगा, मतलब जो जो हमारा मेन चक्र है उसका कार्य क्या होगा, उसका कार्य होगा एच टू माइनस एच वन। तो इनके बीच का अंतर क्या आ जाएगा, W दिख रहा होगा यहाँ ये वाला, ठीक। और उसके बाद ये हो गया, इसको रफ कर दो। अब जो हमारा जो नया कार्य है वो हो जाएगा H2 डैश, H2 डैश माइनस H1। तो इनके बीच का अंतर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही हो रहा है। तो कहाँ ये इतना ज़्यादा था, कहाँ कार्य इतना ही कम हो रहा है। तो इसका मतलब जब हम संघनित के ताप को घटा रहे हैं तो हमारा कंप्रेसर के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हम जानते हैं कि निष्पादन गुणांक जो है किए गए कार्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब कार्य कम होगा तो निष्पादन गुणांक का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो कार्य का भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैं ग्राफ से भी इसको बता दे रहा हूं कि ग्राफ से इसको हम कैसे पहचानेंगे। यहां पे इस ग्राफ में आप देखो कि जब बिंदु एक से दो पे और बिंदु एक से टू डैश पे, अब आप देख रहे हैं बिंदु एक से जो टू डैश है वो उसका जो है लंबाई कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, संपीड़क के द्वारा किया गया कार्य भी क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ रहा है, दोनों ही फिगर में देखिए, अब यहाँ बिंदु एक से दो और यहाँ बिंदु एक से टू डे, इन दोनों में क्या है, लंबाई कम हो जा रही है ना, इसका मतलब संपीड़क के द्वारा किया गया कार्य कम हो जा रहा है। और जब कार्य कम होगा तो निष्पादन गुणांक का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सीधे से, ठीक। तो अब लास्ट में हमने क्या लिखा, इसके लिए भी लिखा कि जो नया वाला प्रशीतन प्रभाव है उसका मान बड़ा है पुराने वाले से, ठीक है भाई। नया का मतलब क्या हुआ, जब हमने तापमान को घटा दिया तब के लिए, और नया वाला जो हमारा जो W डैश है वो क्या होगा, पुराने वाले से कम हो गया। फिर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया, सी ओ पी इज इक्वल टू आर ई अपॉन W। इससे क्या हो गया, इससे ये पता चल गया कि प्रशीतन प्रभाव निष्पादन गुणांक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किया गया कार्य निष्पादन गुणांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम देख रहे हैं निष्पादन गुणांक बढ़ रहा है, किया गया कार्य घट रहा है, अतः सी ओ पी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्लियर। तो ये दोनों टॉपिक जो है बड़ा, देखो अब इस चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। और इस चैप्टर में जो आपने पढ़ा है, ये जितने भी इफेक्ट पढ़े हुए हैं, जितना भी इफेक्ट आपने पढ़ा है, एक तो पहला है कि हमने जो है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से सारे जितने भी मुख्य अंग है उसका कैसे कैसे वर्क करता है सब बताया था, फॉर्मूला निकलवाया था। उसके बाद क्या था, उसके बाद सारे इफेक्ट हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब इफेक्ट में जैसे कि उधर आपका जो है चार अलग अलग जो है दशाएं थे, कौन था,
एक नम संपीड़क था, एक ड्राई संपीड़क था, अति तप्त संपीड़क था और सब कूलिंग था। इन चार दशाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है निष्पादन गुणांक पे, वो भी एक इफेक्ट ही है। जब ये कंप्लीट हुआ तो दाब और तापमान का इफेक्ट आ गया, इसका जो है निष्पादन गुणांक पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जितने भी इफेक्ट इसमें हैं ये सब बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस फिगर में जितने भी ग्राफ हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। कल मैंने जो है इस चैप्टर का नोट्स आपको भेज दिया है, ठीक है, सेकंड चैप्टर का नोट्स मैंने भेज दिया है। आज मैं इसका बुक का पीडीएफ बना के आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, सेंड कर दे रहा हूँ। बुक का पीडीएफ बना के आज मैं सेंड कर दूँगा, ठीक। दूसरा, अब इसमें जो है एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो है ये लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, वाष्प संपीड़क पर आधारित घरेलू प्रशीतक, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने पढ़ते आया है कि जो वेपर कंप्रेशन साइकिल होता है इसका डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल सभी होता है और घरेलू में तो 100% इसी का यूज किया जाता है। तो अब इसमें कुछ बताना नहीं है, सारा चीज़ वही है, ठीक है। इसको मैं नोट्स भेजूंगा, पढ़ लीजिएगा। अब इसमें भी क्या है, वही चारों अंग यूज किया है, कंप्रेसर यूज किया है। कंप्रेसर से जब भाप जा रहा है तो ये जो लाइनें हैं ऐसा आप देखे होंगे फ्रिज के पीछे, ठीक है, ये क्या है, ये कंडेंसर है। कंडेंसर से जब आपका जो है इसका टेम्परेचर में गिरावट हो रहा है तो ये चला जाता है थ्रॉटलिंग वॉल्व में। तो यहाँ थ्रॉटलिंग वॉल्व की जगह हमने कैपिलर ट्यूब का यूज कर लिया। आप थ्रॉटलिंग वॉल्व भी यूज कर सकते हैं, कैपिलर ट्यूब का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का काम एक ही है, प्रसार करना, ठीक है भाई। थ्रॉटलिंग वॉल्व का काम भी क्या होता है, प्रसार एक्सपेंशन, कैपिलर ट्यूब का भी काम होता है प्रसार करना। फिर यहाँ से जब लिक्विड का प्रसार हो जाएगा तो ये वापस किस में चला जाएगा, वाष्पित्र में, इवेपोरेटर में। तो चारों मुख्य अंग है और जैसे कार्य उसमें चक्र में आप पढ़े हैं वही चीज इसमें भी लिखना है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप जान रहे हैं, मैं नोट्स भेज दूंगा उसमें आप पढ़ लीजिएगा। तो मेरे ओर से जो है इस चैप्टर के सारे थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब बचा है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल के लिए मैं कल इसको कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो जाएगा एक दो दिन में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।